So hello guys, welcome to my YouTube channel once again. So in the last lecture we studied about the direction of moments, the important formula of moment of forces. In short form you can say it as moment, torque you can say also, its symbol is tau. So hope आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, और लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था टॉर्क के फॉर्मूले को. ओके, और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के एप्लीकेशंस. टॉर्क के एप्लीकेशंस बोले तो मोमेंट ऑफ फोर्स के एप्लीकेशन. सो बहुत ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं इसके, 3-4 एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको बताऊँगा. तो बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं, तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. सिर्फ आपको वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है टॉर्क का. सो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पे, एंड जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, उसको हम लोग कहाँ से किसके किसके बीच में लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो फोर्स लगने के कारण, और जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है उस फोर्स का, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं. और जो हमारा फोर्स लग रहा था उस बॉडी पे जिसके कारण रोटेशन हो रही है, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का मोमेंट हम लोगों को मिल जाता है, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं. ओके, तो उसके एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ MOF यहाँ पे लिखा हुआ है. कन्फ्यूज मत होना व्हाट इज MOF. MOF जो है आपका वो लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क. ओके, सो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे. सबसे पहला एप्लीकेशन है टू लूजन अ टाइट नट यूजिंग अ लॉन्ग स्पैनर. ओके, स्पैनर मैंने आपको बताया था, जो नट को टाइटन करने के लिए या लूजन करने के लिए, मतलब उसको टाइट करने के लिए या उसको ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए हम लोग जो ये टूल जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पैनर. ओके, सो ये आपका नट है और ये आपका स्पैनर है. तो इसको सपोज एक टाइट नट है काफ़ी ज़्यादा, ये नट जो है काफ़ी टाइट है. ओके, सपोज दिस नट इज़ टाइट, तो इसको हम लोगों को लूज़ करना है. जब ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो इसका मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, लूज़ करने के लिए. ओके, लेकिन हम अगर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हल्के से फोर्स में इसको खोल दें, मतलब कम फोर्स लगाकर ही इसको हम लोग लूजन कर दें, तो ये भी पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है ये, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये किस फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा. ये जो है टॉर्क, मैंने आपको बताया था कि टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो जाहिर सी बात है ये नट को आपको लूजन करना है, तो आप इस पर फोर्स लगाओगे. ओके, आप इस पर कहीं फोर्स लगाओगे इस पर. ओके, अपोज आपने एफ फोर्स लगाया सपोज, और ये जो है नट जो है मान लो इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेट करेगा. इसकी एक्सिस तो होगी, ये नट जो है कुछ, जब आप इसको लूजन करोगे तो ये कुछ रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट. ओके, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस जो है जब आप इसको लूजन करोगे तो ये एक एक्सिस है सपोज, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है. अगर आप देख पा रहे हो तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और इसके अबाउट जो है नट आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा. ओके, तो आप इस पर फोर्स लगाओगे स्पैनर पे, और ये नट जो है ऐसा रोटेट करेगा. तो आपको, क्योंकि नट जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन नहीं, आप कम फोर्स लगा करके भी उसको कर सकते हो लूज़. कैसे? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, और ये टॉर्क ही तो है मतलब जो इसको रोटेशन में मदद करेगा. ओके, और तो टॉर्क जो है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. एक टॉर्क जो है ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक जो है आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डी. ओके, इसी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं. इस डिस्टेंस को जो है अगर हम बढ़ा दें, अगर इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर दें, दैट्स वाई इट हैज़ बिन रिटन कि लॉन्ग स्पैनर की हम बात कर रहे हैं. तो ये जो डिस्टेंस है ये जितना ज़्यादा होगा ना, वो टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा. लेकिन अगर आप, तो मैंने बोला ना, दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है टॉर्क जो है, दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. एक जो है ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के, टॉर्क जो है एक जो है प्रोपोर्शनल है आपको डी के. ओके, तो दोनों में से अगर आप कोई भी चीज़ बढ़ाओगे तो टॉर्क आपका बढ़ेगा ही. तो आप जो है फोर्स कम लगा दो तो टॉर्क की वैल्यू कम हो गई, लेकिन आपने डी की वैल्यू बढ़ा दी. जब आपने डी की वैल्यू बढ़ा दी तो टॉर्क की वैल्यू भी तो बढ़ गई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाएगा. टॉर्क का वैल्यू बढ़ गया मतलब क्या, मोमेंट जो है बढ़ गया, मोमेंट जो है फोर्स का बढ़ गया, मतलब उसका जो है टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स का बढ़ जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ाने से. दैट्स वाई अगर आप लॉन्ग स्पैनर यूज़ करते हो तो आप कम फोर्स में भी आप क्या कर सकते हो, इस नट को लूजन कर सकते हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे टू ओपन द डोर इजिली बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट द फ्री एंड. तो फ्री एंड पे जो है आप डोर के फोर्स लगा करके, हल्का सा भी फोर्स लगाओगे सेम एज
लाइक स्पैनर के केस में आपने हल्का फोर्स लगाया लेकिन आपने क्या किया उस डी को ज़्यादा कर दिया, दोनों में से कोई भी बड़ा हो गए लेकिन आपको फोर्स जो है कम रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका टॉर्क जो है बढ़ जाएगा और फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, वो इजिली रोटेट कर जाएगा। सो दैट्स वाई आप देखोगे डोर को जो है आपका जो हैंडल है वो फ्री एंड की तरफ होता है क्योंकि वहाँ पर उसका जो डी है फ्री फिक्स्ड एंड से। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो फिक्स्ड एंड होता है ना जिसके अबाउट ये डोर जो है खुलता है, जिसके अबाउट ये जो डोर है वो खुलता है, ये जो डिस्टेंस है ना इसका, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डी, तो फ्री एंड के ये हैंडल जो है फ्री एंड की तरफ लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ताकि ज़्यादा हो सके, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी। तो अगर आप डी को बढ़ा देते हो, डी अगर आपका ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका टॉर्क ज़्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा फोर्स का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फ्री एंड पे लगाएंगे, जैसे ही आप फिक्स्ड एंड के तरफ जाओगे तो आपका डी का वैल्यू जो है कम होता है, डी का वैल्यू कम हो जाएगा ना, जैसे ये यहाँ पे है तो डी की वैल्यू ये, तो डी की वैल्यू मान लो सेंटर पे आ जाओगे तो कम हो गई, फिक्स्ड एंड की तरफ आओगे तो और कम हो जाएगी, तो टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ओके टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके और भी कुछ एप्लीकेशन। सो दो एप्लीकेशन इसके हम लोगों ने देख लिए थे, अब हम लोग दो और एप्लीकेशन देखेंगे। सो तीसरा एप्लीकेशन है कि इवन अ चाइल्ड कैन बैलेंस अ हैवी वेट पर्सन ऑन सी सॉ बाई सिटिंग एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सी सॉ में, सी सॉ जो है जनरली आपको मिलेगा आपको पार्क्स वगैरह में, तो वहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जैसे मैं इसका आपको मैं फिगर बना के दूँ कि सपोज ऐसा सी सॉ है, ओके तो यहाँ पे इस टाइप से लगा होता है और यहाँ पे सीट्स बने होते हैं ना, सीट्स बने होते हैं बैठने के लिए, इस पर बंदे बैठते हैं, ये वाला जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ओके सो दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि ये इसके अबाउट कैसा है, इसके अबाउट जो है ऐसा, ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे जो है ये स्विंग इसके अबाउट जो है रोटेट करता है। सो एक पॉइंट है ऐसा, अब यहाँ देख सकते हो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसके अबाउट ऐसे करता है, तो ये देख सकते हो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करता है, ओके जिस साइड वेट ज़्यादा उधर नीचे, जिस साइड वेट ज़्यादा उधर नीचे, तो सिमिलरली वही चीज़ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक छोटा बच्चा, एक चाइल्ड भी जो है वो बैलेंस कर सकता है किसको, एक हैवी वेट पर्सन को सीसॉ पे एक लार्ज डिस्टेंस पे बैठ करके। यहाँ पे भी वही चीज़ है, रोटेशन हो रही है ना, यहाँ पे भी जो है रोटेशन हो रहा है, सो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके सपोज इसका वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है इसका वेट एक्ट कर रहा, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस आपको लेने का है, ठीक है ये डिस्टेंस आपको लेने का है। सो ये डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स जो है इंडिविजुअल वेट्स है, सपोज इसकी हम बात कर रहे थे तो इसका जो वेट है W वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और उसी वेट के वजह से ये रोटेट होता है, ओके तो दैट्स वाई फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वेट के बराबर होगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ वेट W इज इक्वल टू एफ फोर्स के बराबर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, ओके तो ये डी जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका टॉर्क की वैल्यू होगी, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू, फिर से मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला छप जाए और आप इस चीज़ को समझ जाओ इजीली, ओके तो देखो तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर आपका टॉर्क, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दो, अगर आप डी को क्या करो बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो आपका टॉर्क जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब एक बच्चा भी है जिसका कि फोर्स, जो कि कम फोर्स लगा पाएगा, मतलब क्या जिसका कि कम वेट होगा, अगर जिसका कम वेट होगा लेकिन अगर आप उसको बड़े डिस्टेंस पे बैठा दो, मतलब ये डी जो है ये डिस्टेंस ले रहे हैं ना हम लोग, ये डिस्टेंस ले रहे हैं डी, अगर आप इसको और दूरी पे बैठा दो, ओके इसका सीट जो है और पीछे कर दो, इसकी लंबाई एक साइड की और बढ़ा दो, ओके तब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो उस बच्चे का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस हैवी वेट के पर्सन से। सपोज़ ये हैवी वेट है, ओके ये चाइल्ड है, ओके ये चाइल्ड रहा और ये हैवी वेट पर्सन, ओके हैवी वेट पर्सन, तो हैवी वेट पर्सन है कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बैठा और ये जो बच्चा है
जिसका कि वेट कम भी है लेकिन वो जो है लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बैठा होता है, तो इस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या कर पाएगा, इजीली इस हैवी पर्सन को बैलेंस कर पाएगा। सो ये एप्लीकेशन होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, टॉर्क का। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। और देखो और भी एग्जाम्पल है इसका, हैंड फ्लोर ग्राइंडर, मतलब हाथ हाथ से जो हम लोग गेहूँ पीसते हैं आटा आटे के लिए, तो उसके लिए आप देखो हैंडल जो होता है, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि उसका हैंडल जो है वो एंड पे दिया जाता है ना। उसका जो हैंडल है, इसको अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये एक सर्कुलर टाइप का दिखेगा ऐसा, ओके, और इसका हैंडल कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे सर्कल जैसा। तो ये इस एंड पे इतने डिस्टेंस पे क्यों दिया गया है, एंड पे इसीलिए दिया गया है कि आप हल्का फोर्स भी लगाओगे ना तो ये जो डिस्टेंस है आपका ज़्यादा है, ये जो डिस्टेंस है ना आपका डी, ये डिस्टेंस आपका डी जो है ज़्यादा है, तो डी जब ज़्यादा है तो आपका टॉर्क जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा ना, मतलब टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप फोर्स कम भी लगाते हो तो कम फोर्स लगाओ, इस डी को ज़्यादा कर दो तो आपका टॉर्क जो है आपको ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको जो है आप क्या कर सकते हो, गेहूं को पीस सकते हो। ओके, तो ये सब यही चीज़ों को माइंड में रख करके इसको बनाया जाता है ऐसा, और आप इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ आई होंगी तो आप न्यूमेरिकल से समझ सकते हो। अगला हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं।